अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं अभी एक वीडियो बना के आप सबको डिटेल वीडियो बना के शेयर करूंगा। जो भी नए मेंबर्स आते हैं वो हमेशा ये क्वेश्चंस करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना। तो हम ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट ये मेन पेज आ जाएगा इसका। मेन पेज के बाद हम इसका ये जो है ब्राउज़र है इस पर क्लिक करेंगे, और ये मैं साथ साथ इसको टिक भी करता जाऊंगा इस पर। ये है जी ब्राउज़र इसका। ब्राउज़र के बाद हम जो भी आपको लिंक दिया जाता है वो आप इसके सर्च बार जो है ये सर्च बार के अंदर आप इसको पेस्ट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो ये नीचे हिस्ट्री में आ रहा है, मैंने जस्ट हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। ये एक वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दिया। इस तरह से इसका मेन पेज आ जाएगा। जो न्यू मेंबर्स होंगे वो अपने माय एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे अभी मेरे तो डॉलर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, उनका 1.88 डॉलर्स शो होंगे, तो इसका मतलब है उनका अकाउंट एक्टिव हो गया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने ये करना है कि ये बनने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपना विड्रा पासवर्ड सेट करना है। मोडिफाई विड्रा पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, और मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ सेट तो मेरे पास ओल्ड पासवर्ड आ रहा है। आप लोगों के पास ओल्ड पासवर्ड नहीं आएगा, जो नया मेंबर होगा वो यहाँ न्यू पासवर्ड में अपना पासवर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ कन्फर्म करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह का कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना, सबमिट का बटन दबा देना, अभी वापस आ जाएं। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड आपने अपना रेफरल लिंक निकालना हो तो इसमें ये होम है, होम के बाद ये आप नीचे देखें इनवाइट फ्रेंड्स, ये इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे तो इनविटेशन लिंक है, यहाँ से आप अपना इनविटेशन लिंक निकाल सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे तो आपका इनविटेशन लिंक निकल आएगा। थर्ड है, इसमें आप कहते हैं कि जी हमने अपना विड्रा पासवर्ड सेट करना है, तो माय एसेट्स पे जाएंगे। माय एसेट्स पे जाने के बाद आपने विड्रा पे क्लिक करना है। विड्रा पे चेन टाइप जो आपकी इथेरियम मेन नेटवर्क है वही रहेगा। यहाँ पे आप वॉलेट एड्रेस पे जाएंगे, मेरा ऑलरेडी एक सेट हुआ हुआ है, आपके पास ये नहीं आएगा। आपने यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक करना है, प्लस साइन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है अपने नेटवर्क पे, तो यहाँ पे आपने ट्रॉन सेलेक्ट कर लेना है, और विड्रा एड्रेस के अंदर आपने अपना बाइनांस का जो बाइनांस है या बायबिट है या कोई भी आपकी एक्सचेंज है उसका ट्रॉन का TRC20 का एड्रेस निकालना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसको सबमिट कर देना। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आपका विड्रा एड्रेस भी लग गया। विड्रा एड्रेस लगने के बाद आपने डिपॉज़िट करना है। डिपॉज़िट के लिए आप डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आ रहा है USDT TRC20, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एड्रेस निकल आया, ये इसको कॉपी करेंगे आप, जैसे ये इसको कॉपी कर लिया, कॉपी सक्सेसफुली। उसके बाद आप अपने बाइनांस में जाएंगे, बाइनांस में जाके आप अपना वहाँ से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ के बाद आप ट्रॉन TRC20 USDT TRC20 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो मोस्टली लोगों को ये वो करना आता है। उसके बाद आप अपनी डिपॉज़िट करेंगे तो वो डिपॉज़िट आपके एसेट्स में शो हो जाएगा। एसेट्स के बाद आपने क्या करना है, जब आपके एसेट्स में आ गया तो आपने अपनी ट्रेड लगानी है। ट्रेड एसेट्स के साथ क्वांटिटेटिव आर्बिट्रेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डेलीगेट नाउ लिखा हुआ है, ये डेलीगेट नाउ पे जाएंगे और इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपने एसेट्स देखें, मेरे इस वक्त 105 एसेट्स आ रहे हैं USDT के सामने। 105 जितने हैं पूरे के पूरे एसेट्स आपने इधर लिख देने हैं और इसको क्रिएट एन ऑर्डर पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट एन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रेड लग जाएगी। ऐसे ही ये जब जैसे पूरी जो लाइन है ब्लू हो जाएगी, 100% हो जाएगी, तो उसके बाद अभी एक पॉपअप मेन्यू आएगा जिस पे
कंटिन्यू का राइटिंग में कंटिन्यू लिखा आएगा, आपने उसको कंटिन्यू कर देना है। ये वो आ गया जी, पॉपअप मेन्यू आ गया है, इसमें आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आपकी आज की एक ट्रेड लग गई है। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो ट्रेड लगानी होगी वो आपने 10 मिनट के बाद लगानी है, 10 मिनट के बाद चाहे घंटे बाद लगा लें, चाहे किसी भी टाइम पे आप लगा लें। तो ये आपकी ट्रेड एक कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आप डेली अपनी ट्रेड्स लगाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट वीडियो हो गई है। इसके बाद अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने मेंबर्स देखने हो तो वो आप अपने मेंबर्स यहाँ से जाके इनवाइट फ्रेंड्स में जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप अपने मेंबर्स लिस्ट देख सकते हैं कि मेरे मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स है, ये ऑल मेंबर्स, ये पूरी लिस्ट आ रही है इसकी, ठीक है जी। और उसके बाद अपने फर्स्ट जनरेशन मेंबर्स देखने हो तो ये यहाँ से आपने फर्स्ट जनरेशन पे क्लिक करके क्यूरी पे क्लिक करना है, तो ये सारे आपके मेंबर्स फर्स्ट मेंबर्स आ जाएंगे। कमीशन रिकॉर्ड देखना हो तो कमीशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और इसको क्वांटिटेटिव आर्बिट्रेज पे क्लिक करना है, और क्यूरी पे क्लिक करना है, तो साथ ही आपको नज़र आएगा कि आज के दिन में कैसे कैसे आपको कमीशन आ रहा है। तो ये टोटल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आपने जो भी मेंबर बनाना है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।